मुंबई से इस वक्त बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। बॉलीवुड के नंबर वन कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के साले जैसन वॉटकिंस की लाश उनके फ्लैट पर मिली है। जैसन मुंबई के मिलत नगर इलाके की एक सोसाइटी में रहते थे। ई टाइम्स के मुताबिक एक मेडिकल ऑफिसर ने जैसन की मौत की जानकारी दी। जैसन के शव को कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। दूसरी तरफ ओशिवारा थाने की पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। जैसन की मौत कैसे हुई इस बारे में पुलिस अभी कुछ भी नहीं बोल रही। पुलिस का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक जैसन की मौत पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उधर रेमो डिसूजा की पत्नी लिजेल अपने भाई की मौत की खबर सुनकर फूट फूट कर रो रही हैं। लिजेल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से जैसन की फोटो शेयर करते हुए लिखा, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इसके साथ ही लिजेल ने अपने माँ और भाई की एक और तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। फिलहाल रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी इस वक्त गोवा में है। वो दोनों एक शादी अटेंड करने पहुंचे थे लेकिन भाई की मौत की खबर सुनकर दोनों मुंबई लौट रहे हैं। जैसन ने रेमो को कई मूवी में असिस्ट किया था। फिलहाल डिसूजा परिवार को इस मौत से बड़ा झटका लगा है।